प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की तो कुछ नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम ने 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड टू केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखी। इससे 8 घंटे के मुश्किल सफर महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। 2.5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान पीएम आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी पहुंचे तो मंदाकिनी आस्थापथ और सरस्वती आस्थापथ का निरीक्षण किया। पीएम मोदी बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन को ऐसे समय पर पहुंचे जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में भी जल्द ही बिगुल बज सकता है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा में भी राजनीतिक कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। प्रतीकों की राजनीति में बेहद माहिर पीएम मोदी के कपड़ों को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, जिसका कनेक्शन चुनावी राज्य हिमाचल से है। पीएम मोदी केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से उतरे तो चोला डोरा में नजर आए। बताया जा रहा है कि इस परिधान को हिमाचल के चंबा में रहने वाली एक महिला ने तैयार किया। उन्होंने इसे बतौर उपहार पीएम को भेंट किया था। पीएम मोदी ने इसे स्वीकार करते हुए कहा था कि किसी खास मौके पर इसे पहनेंगे। इस परिधान को पीएम मोदी ने उत्तराखंड में पहनकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक संदेश भेज दिया। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बना चुकी है। हिमाचल में भी 37 साल बाद सरकार रिपीट करने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले उत्तराखंड पहुंचे। उनका यह दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। पीएम राज्य को 3400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वे आज भारत के आखिरी गांव माड़ा भी जाएंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह गाँव चीन की सीमा पर स्थित है। वे बद्री विशाल में रात्रि विश्राम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।